गाइस, अभी हमने जो लास्ट वीडियो देखी होगी आपने, बुश पार्ट की, पार्ट नंबर 4, जो हमारा फुट स्टेप बेरिंग के अंदर आता है, इसको आपने देखा होगा। तो एक्सट्रूजन में हमने 6 स्टेप्स किए, 1 2 3 4 5 6। तो इससे कोई बेटर वे भी है मेरे पास, या छोटा तरीका भी है, फास्टेस्ट वे भी है इसको बनाने का, तो हम वो ट्राई करते हैं। ठीक है, अब तो क्या करता हूँ मैं, इसको अगर डिलीट करूँगा फर्स्ट पार्ट को, तो मेरे बाकी सारे पार्ट्स डिलीट हो जाएंगे क्योंकि उस रेफरेंस पे बने थे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्केच मोड पे दोबारा जा रहा हूँ, प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद प्रोजेक्ट ज्योमेट्री करूँगा, सेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सेंटर पॉइंट। अब इसमें मैं एक प्रोफाइल बनाने जा रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी, चाहे जूम इन करके काम कर लो, चाहे जूम आउट करके कर लो, जैसे आपको सूट करता है वैसे आप काम कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा स्टेप यहाँ बना रहा हूँ, इसको बेसिकली 83 के लिए होगा मेरा, ये 76 का हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका 62 का, 59 डाया के लिए, 62 के लिए, और क्लोजिंग कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बना लिया मैंने। बनाने के बाद डायमेंशन टूल पिक कर रहा हूँ, सबसे पहले जो दूर है उसको लूँगा ताकि मेरी डायग्राम पूरी खुल जाए। ठीक है, 83 का हाफ है ये, मैं रिवॉल्व कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब 83 का हाफ हो गया मेरे पास, डायग्राम देखने जा रहा हूँ, 83 है, फिर 76 है, फिर 62 है। ठीक है, अब ये वाला जो है 76 पे है मेरा। सेवेंटी सिक्स हाफ आप डायरेक्ट डाल सकते हो 38, या सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो एज अ कैलकुलेटर। ठीक है, को हाफ कर लो या फॉर्मूला डाल लो, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, और लास्ट में आपका हमारा इंटरनल आया था 44, हाफ होगा 22। ठीक है, ये मैंने भी एक्स एक्सिस कंट्रोल की है, वाई नहीं की, तो वाई भी जब करनी होगी तो सबसे पहले बड़े वाली कर लेना, 77। डायमेंशन साथ में चेक करते रहना, कई बार ऐसा होता है बनाने के बाद हमें पता लगता है कि वो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, साथ साथ करते रहेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब 77 फुल थी मेरे पास लेंथ, अब मुझे पता है 8 11 11। ठीक है, तो ये ऊपर वाली हमारे पास हाइट है वो है 8, उसके बाद 11, उसके बाद फिर 11, उसके बाद ये लेंथ है मेरे पास 37। आप अगर इसको करोगे तो वो बता देगा कि आपने ओवर कंस्ट्रेन कर दिया, तो मत करना। ठीक है, अगर आप इसको कर रहे हो तो आपको 77 रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये बनाने के बाद अब ये रिवॉल्व तब तक नहीं होगा जब तक आपका यहाँ पे सेंटर एक्सिस नहीं होगी। तो सेंटर एक्सिस के लिए हम क्या कर रहे थे, हम लाइन कमांड सेलेक्ट कर रहे थे, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर कंस्ट्रक्शन पे जाके क्लिक कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन लाइन पर, और फिर हम, जरूरी नहीं कि आपने ऊपर से बनाना है, आप छोटा सा बना दोगे सेंटर लाइन तब भी चल जाएगी, क्योंकि हमें बेसिकली रिवॉल्विंग करने के लिए एक एक्सिस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ स्केच फिनिश कर रहा हूँ, फिनिश करने के बाद रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट कर रहा हूँ, रिवॉल्व कमांड जैसे सिलेक्ट होगी बाय डिफॉल्ट वो पिक कर लेता है, अगर आपका वहाँ पे क्लोज लूप है, अगर मल्टीपल क्लोज लूप है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने कौन सा क्लोज लूप जो है उसे रिवॉल्व करना है। ठीक है, अब एक्सिस पूछ रहा है तो एक्सिस मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, वो कह रहा है 360 डिग्री, मैं कह रहा हूँ हाँ जी मुझे इतना ही चाहिए, ओके किया मैंने। तो अब देखो, मैंने वहाँ पे 5 स्टेप्स में इसे एक्सट्रूड बनाया था, नीचे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अब मेरा एक सिंगल स्टेप में पूरा ये बन गया मेरे पास। ठीक, इसके बाद नीचे जो आपका स्टेप है
एक आपने एक्सट्रूड करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ गए, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री में गए, सर्कल सेलेक्ट किया, आपका जो इनर डाया है उसको सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे एक सर्कल बनाया, इसका हमने डायमेंशन दे दी, ठीक है, डाया है मेरे पास, ठीक है। फिनिश स्केच किया मैंने, फिनिश स्केच करने के बाद सेलेक्ट प्रोफाइल कह रहा है कि ये मैं इस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो एक्सट्रूड कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे एक्सट्रूड नहीं चाहिए, मुझे कट करना है, क्योंकि हमारे पास गिवन था कि स्नग के लिए मुझे हाफ बॉडी में चाहिए, 1/4 इसमें चाहिए, 1/4 पैड में चाहिए, ठीक है। तो 2 स्टेप्स के अंदर मेरा ये कंप्लीट हो गया, मुझे टोटल 6 स्टेप किएगा, 2 स्टेप में मेरा ये सारा काम खत्म हो गया, ठीक है। ओके गाइज, सेव कर लेना बनाने के बाद। तो चलो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट 4।